अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ईशान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे काम हैं आज, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, स्टिकर्स बाय करने हैं, टाइल बाय करनी है, उसके अलावा एक टाइल टूट की है तो वो बाय करनी पड़ेगी, कुछ मेडिसिन लेनी है जो मेरे एरिया से नहीं मिल रही, और भी छोटे मोटे काफ़ी सारे काम हैं, सारे करके आते हैं। बैंक का एक चेक था मेरे पास तकरीबन 2019 से, और कैश नहीं करवाया तो अब इसको जाते हैं, इस ब्रांच में आने का टाइम नहीं लगता, इधर सब कैश। ब्रांच ने मिस गाइड किया है, यहाँ पर भी मेरा चक्कर तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ, उन्होंने बोला है कि आप अपनी ब्रांच में जाएं, वहाँ से होगा। ये आपके बैंकों का हाल है। चलते हैं स्टिकर लेने, उसके बाद दो तीन और छोटे छोटे काम है करके घर। मौसम की बात करें तो हल्की धूप और ठंडी हवा। हमारा हो चुका है, ये 4 फुट दे दें, ये नहीं है। एक हमने लिया है 4 फुट, मतलब तकरीबन 16 फुट। यहाँ पर एक ये डार्क ग्रे, ये निकाल दें 5 फुट। एक एप्लीकेटर और ये मार्बल आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक मैंने ग्रे कलर का लिया, डार्क ग्रे। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आपको घर जाके दिखाऊंगा इसका हमने क्या सोचा है करने के लिए। लॉन्ग, आज हम आइसक्रीम खाएंगे दोबारा, आलमगीर स्पेशल, बहुत अच्छा हो गया है नहीं खाई मैंने, एक आलमगीर स्पेशल। काफ़ी दिन के बाद इस तरफ आना ही नहीं हुआ मेरा, और मैं बहुत खाता था पहले जब यूनिवर्सिटी जाता था, अभी इस तरफ आना कम होता है तो आइसक्रीम भी कम खाता हूँ। तो हम चावला फैक्ट्री के अंदर हैं, मुझे कुछ पीवीसी चाहिए, उसके लिए मैं आया था इधर, तो बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर कंपनी रेट्स पे मिल रही हैं, तो हम वो भी पता करते हैं। पर हमारा काम नहीं बना, जो मटेरियल मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, अगली फैक्ट्री चलते। शिफ्टिंग में माइक्रोवेव का डोर टूट गया था, कस्टमर केयर से भी पता कर लिया, लेकिन इसका ग्लास अवेलेबल नहीं है। तो ये ग्लास टैंपिंग फैक्ट्री है, यहाँ पर हमने इसका ग्लास टैंपर करवाया है, इसको ब्लैक पेपर लगाएंगे और ये इंशाल्लाह डोर नया हो जाएगा। और कुछ ऐसी है ग्लास टैंपिंग की फैक्ट्री, ये टेप इनकी रख। काफ़ी सारे काम करने वाले थे, सब कर चुका हूँ, घर आए मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, काफ़ी थक गया था। अभी छोटे मोटे जो घर के बोर्ड वगैरह लगने वाले हैं उनको फिक्स कर लेंगे, बोर्ड मैंने आपको कल दिखाए थे, पेंट किया है मैंने वॉल के कलर के साथ, वो ड्राई हो चुके हैं, उनके कोड भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाके फिक्स करते हैं, छोटे मोटे और काम में वो करते हैं। नींद वैसे मुझे थोड़ी आ रही है, काफ़ी लेट हो गई थी सोते हुए। आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट उस बोर्ड का जो मैंने लगाया, जो फ्रॉम दिस टू दिस, एक बोर्ड पहले लग चुका था वाइट, को मैंने उतार के दोबारा सेम पेंट करके बोर्ड लगा दिया है, ये बोर्ड कहीं और लग जाएगा। ऊपर वाले बोर्ड में पेंट नहीं कर रहा क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और इसका कलर उतर जाएगा, हो सकता है बाद में इनको आके प्रॉपर पेंट कर दिया जाए, लेकिन ये प्लास्टिक मैट है ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। ये नीचे के बटन इनको ऑन कर दिया, अब ये ऑन रहेंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तकरीबन 50-60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, इसको उतारते हैं। इस रूम में लाइट्स अभी लगना बाकी हैं और पार्टीशन भी, पार्टीशन बाद में हो जाएगी, लाइट्स लगना बाकी हैं, लाइट्स का भी कुछ करते हैं, लेकिन वो चारों वाइट लगेंगी, तो सोच रहा हूँ यहाँ पर हर रूम में मैंने तकरीबन एक येलो का टच लाजमी दिया है, तो इधर वो लैंप लगाते हैं और उसके अंदर येलो लाइट लगाते हैं। पुराना पड़ा है, पिछले घर से आया है, थोड़ा शायद डैमेज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो बैक साइड पर चला जाएगा और लग जाएगा, काम चल जाएगा।